सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। नज़र पाउने अज दीआं खबरां ते। 2024 च दुनिया दे सब तो शक्तिशाली देशों की रैंकिंग सूची जारी होंदे ही चर्चा च आ गई है। ये सूची US न्यूज़ ने जारी की है। दुनिया के शक्तिशाली देशों की सूची च अमरीका पहले नंबर पर है। टैक्नोलॉजी, वित्त अते मनोरंजन वर्गे वख-वख खेत्रां च अमरीका पहले नंबर पर बनिया होया है। अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन बुनियादी ढांचे के विकास अते जलवायु परिवर्तन प्रोजैक्टां ते सख्त मेहनत कर रहे हैं। अमरीका ने तकनोलॉजी के खेत्र च बहुत वधिया काम किया है। पंज मापदंडा नेता, आर्थिक प्रभाव, सियासी प्रभाव, मजबूत अंतरराष्ट्री गठजोड़ के आधार पर फैसला किया जाता है कि किहड़ा देश सब तो शक्तिशाली है। इसनों ध्यान रखते हुए US न्यूज़ की पावर सब रैंकिंग सूची बनाई गई है। चीन 2024 दुनिया के चोटी के 10 शक्तिशाली देशों च दूजे नंबर पर काबज है। चीन के बैल्ट एंड रोड प्रोजैक्ट का दायरा वाधा जा रहा है, जिस कारण वध तो वध देश इस प्रोजैक्ट नाल जुड़ रहे हैं। इस पहलकदमी का उद्देश जमीनी ते समुद्री नैटवर्क राही एशिया नू अफ्रीका ते यूरोप नाल जोड़ के आर्थिक विकास अते व्यापार नू उत्साहित करना है। चीन खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस अते 5G च तेजी नाल काम कर रहा है, जिस कारण ये अपने आप नू एक ग्लोबल टैक्नोलॉजी लीडर वजों स्थापित कर रहा है। दुनिया के सब तो शक्तिशाली देशों की सूची च भारत टॉप 10 च नहीं है, उसनू 12वां नंबर मिलया है। इस सूची च भारत का सब तो खास दोस्त इजराइल 11वें नंबर पर है। रिपोर्ट च कहा गया है कि किसी देश की आबादी का आकार उसकी पावर रैंकिंग नू प्रभावित कर सकता है, तो यही कारण है कि भारत इस समय 12वें नंबर पर है। पाकिस्तान नू इस सूची च शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान रैंकिंग दे मापदंडा ते खरा नहीं उतर सकिया। इस सूची च 87 शक्तिशाली देशों की सूची बनाई गई सी। दुनिया के सब तो ताकतवर टॉप 10 देशों की सूची च पहले नंबर पर संयुक्त राज अमरीका, दूजे ते चीन, तीसरे ते रूस, उस तो बाद जर्मनी, पंजवें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, छेवें नंबर पर दक्षणी कोरिया है, सातवें नंबर पर फ्रांस, अठवें पर जापान, नौवें पर सऊदी अरब और दसवें नंबर पर UAE है। अमरीका के मैसाच्यूसेट्स सूबे च सिख बच्चों सिरसा धारण करके स्कूल जाने की इजाजत मिल गई है। हॉपकिंटन स्कूल डिस्ट्रिक्ट वालों सिख विद्यार्थियों के मापियां नाल समझौता किया गया है, जिस मुताबक सिरी साहब की लंबाई 3 इंच तो वध नहीं होगी और विद्यार्थी सारे नियम मनण लई पाबंद होणगे। अमृतधारी सिख बच्चों लिए श्री साहब तो बगैर स्कूल जाना संभव नहीं सी, जिसनों वेखद्या भाईचारे की अपील ते नीति च तब्दीली की गई। श्री साहब नू स्कूली वर्दी तो बाहर कढ़ के रखण ते रोक लाई गई है, ते स्कूल बस च भी इसनों बाहर कढ़ण की मनाही होगी। हर साल सिख विद्यार्थियों की गिणती वेखद्या इस नीति की समीक्षा करन दा फैसला किया गया है। हॉपकिंटन स्कूल डिस्ट्रिक्ट दे एक स्कूल च पढ़ते एक बच्चे के पिता हरप्रीत सिंह ने दस्या कि पंज ककार धारण करके हर सिख लई लाजमी ने। श्री साहब के रूप च धारण किया जाने वाला ककार कोई हथियार नहीं, सगों सिखी प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। किसी भी स्कूल की क्लास च श्री साहब तो कितने ज़्यादा खतरनाक चीज़ा मिल जाने, जिन्हां विच कैंची, बॉक्स कटर और डिवाइडर आदि गिने जा सकते हैं। स्कूलों नाल होए समझौते तहत श्री साहब की धार नहीं होगी, सिर्फ सिख धर्म नाल संबंधित बच्चे ही श्री साहब धारण कर सकणगे। दूजे पासे कुछ बच्चों के मापियां ने नवी नीति का विरोध भी किया है। उन्होंने कहना सी कि स्कूलों अक्सर बच्चों दरमियान झगड़ा हो जाता है, तो अजिहे च श्री साहब नाल नुकसान हो सकता है। फरवरी महीने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने देश के पछमी तट का दौरा किया। इस तो बाद उन्होंने जहाज़ एयरफोर्स वन च मौजूद समान की गिणती की गई, तो कुछ उस विचलियां चीज़ा मौजूद नहीं सन। इस तो बाद पत्रकारों नूं कहा गया कि वह अमरीकी राष्ट्रपति के सरकारी जहाज़ तो यादगारी चिन्ह चोरी करन तो गुरेज करन। राष्ट्रपति के जहाज़ चों ब्रांडेड सराहने के कवर, ग्लास, सुनहरी रिम वाली प्लेटा आदि कई कुछ है जो मिल रहे हैं। इस मामले च उन्हां पत्रकारों उत्ते शक किया जा रहा है जो राष्ट्रपति नाल उन्हां दे जहाज़ एयरफोर्स वन च सफ़र करते हैं। जहाज़ चों समान गुआचण का पता लगन तो बाद वाइट हाउस की कवरेज करने वाले पत्रकारों के संगठन दी वाइट हाउस कोरसपोंडेंट एसोसीएशन ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति के जहाज़ तो समान लैके जाने की मनाही है। पिछले महीने एसोसीएशन ने पत्रकारों नूं एक ईमेल लिखी सी, जिस विच कहा गया सी कि इस तरह का व्यवहार प्रेस पूल लई ठीक नहीं है।
प्रेस पूल उन्हां पत्रकारां नूं कहिंदे ने जो एयरफोर्स वन च अमरीकी राष्ट्रपति दे नाल यात्रा करदे ने। ईमेल च कहा गया कि इस किस्म के व्यवहार नूं रोकना चाहिए है। कई बार राष्ट्रपति दे नाल यात्रा करन वेले पत्रकारां नूं M&M चॉकलेट का एक पैकेट दिता जाता है जिस पर राष्ट्रपति की मोहर होंदी है। वॉइस ऑफ अमरीका के वाइट हाउस की पत्रकार मीशा कोमाडोवस्की ने अपनी यात्रा दौरान राष्ट्रपति के जहाज को इकट्ठिया कीतियां चीज़ों का प्रभावशाली संग्रह बना लिया है। मीशा एयरफोर्स वन के लोगो वाला एक पेपर कप हाथ च फड़ के कहिंदे ने इन्हां चीज़ों नूं इकट्ठा करके ना तो मैं कुछ गलत किया है तो ना ही किसी नूं शर्मिंदा किया है। मीशा कहिंदे ने मैं इस पेपर कप नूं सुटना भुल गया सी। मीशा कोमाडोवस्की कोल राष्ट्रपति की मोर वाला चॉकलेट का एक पैकेट भी है। इस ते राष्ट्रपति बाइडन के दस्तखत भी ने। न्यूयॉर्क के एक ग्रॉसरी स्टोर च काम करते दो भारतीयों नाल लंबे समय तो जानवरों वर्गा सलूक किया जा रहा सी ते ये सलूक करन वाला उन्हां दा अपना ही रिश्तेदार है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट च सीसीटीवी कैमरे दीयां तीन वीडियोज़ के हवाले नाल दावा किया गया है कि गुजरात के गांधीनगर इलाके नाल संबंधित ग्रॉसरी स्टोर मालक ने अपने मुलाजमान को बंधुआ मजदूर बना के रख्या होया है। एक वीडियो च ग्रॉसरी स्टोर का मालक अपने मुलाजमान को जलील करता देखा जा सकता है जबकि दूजी वीडियो च मालक की पत्नी मुलाजमान बारे भद्दी शब्दावली की वरतों कर रही है। तीजी वीडियो च ग्रॉसरी स्टोर का मालक अपने मुलाजम की पिठ ते लत मारदा है ते ओ विचारा विलकदा होया एक पासे चलिया जांदा है। रिपोर्ट च एक ऑडियो क्लिप का भी जिक्र किया गया जिस च ग्रॉसरी स्टोर मालक दियां गालां सुनाईयां जा सकदियां ने। खुद नूं महान दसण दे यतन तहत स्टोर मालक कहिंदा है कि उसने वड्डा खतरा मुल लै के गैर कानूनी तरीके नाल अमरीका दाखल होण वालियां नूं सिर्फ आसरा ही नहीं बल्कि कम भी दिता है। ग्रॉसरी स्टोर मालक नूं नेड़ियों जानण वाले एक शख्स ने दस्या कि यह परिवार तकरीबन एक दहाका पहला अमरीका आया सी ते यू वीज़ा हासिल कर लिया। अमरीका च यू वीज़ा उन्हां प्रवासियों नूं दिता जांदा है जो खास अपराधां दे पीड़ित हुंदे ने ते उस दर्द नूं मानसिक जां शरीरक तौर पर हंडाया हुंदा है। रिपोर्ट मुताबक तकरीबन 6 साल पहला परिवार ने गुजरात तो अपने एक रिश्तेदार नूं सद लिया ते उह भी गैर कानूनी तरीके नाल ही अमरीका दाखिल होया। उस वेले तो ही वह बंधुआ मजदूरा वांग काम कर रहा है। इत्थे दसना बनता है कि मैक्सीको अते कैनेडा के रस्ते लखां भारती अमरीका पुज रहे हैं। पिछले 5 सालों दौरान बॉर्डर एजेंटा वालों रोके भारतीयों की गिणती 2 लाख तो वध दसी जा रही है जबकि अमरीका च गैर कानूनी तरीके नाल रह रहे भारतीयों की गिणती 7 लाख तो टप चुकी है। गुजरात नाल संबंधित दो परिवारों को कैनेडा के बॉर्डर से जान भी गवानी पई। एक परिवार -40 डिग्री तापमान च दम तोड़ गया जबकि दूजे परिवार की किश्ती दरिया च डुब गई। दुनिया के अमीर लोगों की जानकारी देने वाली वैबसाइट फोर्ब्स वालों साल 2024 की लिस्ट जारी कर दी गई है। फोर्ब्स ने हाल ही च दुनिया के चोटी के अमीर लोगों की सूची जारी की है। फोर्ब्स द्वारा जारी 2024 के अरबपतियों की सूची के अनुसार दुनिया के सब तो अमीर व्यक्ति LVMH का मालक बर्नार्ड आर्नोल्ट है। बर्नार्ड आर्नोल्ट $233 बिलियन की संपत्ति के नाल दुनिया के सब तो अमीर लोगों की सूची चो पहले स्थान पर पहुँच गए हैं। इस सूची च दूजे स्थान पर अमरीका की टैसला और स्पेसएक्स कंपनी के मालक एलोन मस्क हैं जिन्हों की कुल जायदाद $195 अरब दसी जाती है। इस सूची च अमरीका स्थित एमाजॉन के संस्थापक जैफ बेजोस $194 अरब की संपत्ति नाल तीजे स्थान पर पहुँच गए हैं। चौथे स्थान पर मैटा के संस्थापक अमरीकी कारोबारी मार्क जगरबर्ग ने। पांचवें नंबर पर ओरिकल कंपनी चलाने वाले लैरी एलिसन ने उन्हां कोल $141 बिलियन की जायदाद है। वॉरन बफेट इस सूची से 6वें स्थान पर ने उन्हां कोल $133 बिलियन की जायदाद दर्ज है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स $128 बिलियन की संपत्ति के नाल फोर्ब्स की सूची से 7वें स्थान पर पहुँच गए हैं। 8वें नंबर पर स्टीव बालमर $121 बिलियन की जायदाद के नाल ने। भारत के मुकेश अंबानी $116 बिलियन की संपत्ति नाल 9वें स्थान पर हैं। इस दे नाल ही अल्फाबेट के CEO लैरी पेज 10वें स्थान पर हैं। उन्हां दी कुल जायदाद $114 बिलियन है। ताइवान च अज सवेरे 25 साल सब तो शक्तिशाली भूचाल के झटके महसूस किए गए जिस कारण 7 व्यक्तियों की मौत हो गई 700 तो वध जख्मी हो गए कुछ इमारतों नुकसान भी पहुँचा। भूचाल की शिद्दत 7.2 नापी गई।
ਭੁਚਾਲ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਆਲੀਅਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ 5 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਝੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਢੱਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਕੌਮੀ ਫਾਇਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਲ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.3 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਭੁਚਾਲ 21 ਸਤੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ 7.7 ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2400 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 5।